रुद्रपुर में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश तनेजा के नेतृत्व में गांधी पार्क में सभी कार्यकर्ता अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एक घंटे के सत्याग्रह पर बैठे। इस दौरान महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है, उनके सभी अधिकारियों ने सबूत मिटा दिए हैं, तो तब जाकर सीएम योगी की नींद टूटी है और उन्होंने सीबीआई जांच का सिफारिश किया है, जबकि अब सीबीआई की जांच का कोई फायदा नहीं क्योंकि उनके चहेते अधिकारियों ने अब तक सारे सबूत मिटा दिए हैं। यह सिर्फ साबित कर दिया है कि पीड़िता का बलात्कार हुआ ही नहीं, इससे साबित होता है कि प्रशासन योगी सरकार के इशारे पर सबूत मिटाने के सभी कार्य कर रहा था और इनके आरोपियों से मिलीभगत है। कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगी सरकार के इस्तीफे की मांग करती है और जितने भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। तनेजा ने कहा कि हाथरस की घटना के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश है। आज देश में भय व आतंक का माहौल है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार चारों खाने चित नजर आ रही है। लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है और उनकी हत्या की जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह घटना को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं और जल्दी से जल्दी दोषियों को फांसी पर लटकाने का कार्य करें। वहीं पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शर्मा ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज देश में बहु बेटियों का निकलना दुर्भर हो गया और सरकार ने बड़े जोर शोर से एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वह नारा उल्टा साबित हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बने बैठे हैं। आज हम सरकार से इस सत्याग्रह के जरिए कहना चाहते हैं कि इस घटना पर रोष जताने के बजाय घटना का पर्दाफाश हो, अन्यथा लोगों को सड़कों पर आना होगा और खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हाथरस में या बलरामपुर में हुआ या अन्य जगह ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसे तो भाजपा बड़ी बड़ी दावा करती थी उनकी सुरक्षा की, उनकी गारंटी लेती थी, आज जो है सरकार मौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, रात को जो उनको लाश नहीं दिया गया और प्रशासन ने जला दिया और डीएम का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस डीएम पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, और डीएम पे मुकदमा न लिखे जाने से तो जनता में क्या संदेश जाएगा? आप बड़े कानून के रक्षक बन रहे हैं और रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। तो हमारी ये मांग है, हम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आह्वान पर जो है हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो हमारी मांग ये है कि उस जिलाधिकारी पे, उस एसपी पे, वहाँ के बड़े अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ट्रांसफ़र से खाली काम नहीं चलने वाला, सस्पेंशन से भाई उन्होंने अपराध किया है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम सारे लोग सत्याग्रह पर महानगर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी और हमारे सारे सीनियर लोग बैठे हैं। जो हाथरस में और बलरामपुर में घटना हुई है और जो जघन्य हत्याकांड हुआ वहाँ पे हाथरस की बेटी के साथ, और उस बेटी के साथ न्याय के लिए बैठे हैं, उस बेटी को न्याय मिले। हम उस जो इन अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड किया उस पर हम वो नहीं है हमें संतुष्टि, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्यों उसने एक माँ का अधिकार छीना है। उस बेटी का चेहरा ना दिखा के रात में उन्होंने ऐसा काम कर दिया, पता नहीं क्या छुपाने जा रहे थे, तो उस बेटी का शव जला दिया। एक तो उस बेटी के साथ घटना हुई और बाकी घटना इन्होंने पुलिस कर्मियों ने उसके साथ करी। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ भी जितने अधिकारी एसडीएम एसपी और जो भी वहाँ पे अधिकारी थे सबके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस माँ का अधिकार छीना। एक उस बेटी की परिवार की सुरक्षा का भी होना चाहिए, और योगी जी इतनी बड़ी घटना के बाद बोल नहीं रहे, और योगी जी के साथ जो अभियुक्त है उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है, क्या कारण है कि वो फ़ोटो योगी जी उसमें मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे? हमारी एक मांग है उसका भी पर्दाफाश हो और उसके भी एक सीबीआई जो जांच हो रही है उस पर सारी चीज़ें खुलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत इस पर कार्रवाई होकर एक महीने में फैसला आना चाहिए। आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी के साथ यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं और जिस तरह से हमारी बेटी हाथरस की बेटी के साथ जघन्य कांड हुआ है, हम उनके गुनहगारों को फांसी की सज़ा देने के लिए और जिस जन आक्रोश को दबाने के लिए मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है और पुलिस प्रशासन जिस तरह से लीपापोती कर रहे हैं उसके खिलाफ आज यहाँ पर बैठे हैं और हमारी भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कब तक बैठेंगे आप यहाँ?
अभी 1 बजे तक है और आगे भी लगातार हम सड़कों पर उतरेंगे जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। आज हम प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर गांधी जी की मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आज एक हाथरस की बेटी के साथ जो उन दरिंदों ने जो कुकृत किया है, जो इतना घृणित कार्य किया है, वो तो एक निंदनीय है ही, लेकिन उसके साथ मैं ये और कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ के सिस्टम प्रशासन और वहाँ की सरकार ने उससे भी बड़ी दरिंदगी की है उस बिटिया के साथ में। हम योगी सरकार को और वहाँ के शासन प्रशासन को की घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी, जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने उनके घर जाकर उनको परिवार को सांत्वना दी है और उन्होंने आह्वान किया है कि ये अब कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इस बिटिया के इस परिवार के साथ खड़ी है और इसको न्याय दिलाने के काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देश के अंदर आई तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरे देश के अंदर बेटियों की क्या दुर्दशा है, उनके साथ कितने अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, सरेआम उनके साथ गैंग रैपिंग हो रही है और उसके बाद उनको जान से मार दिया जा रहा है। उसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो बेखबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज जो हाथरस में एक हमारी बिटिया के साथ जो जघन्य कांड हुआ है मनीषा वाल्मीकि के साथ, उसकी हम बहुत ही घोर निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रयास किए जाने चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इस मामले में वो तुरंत कार्रवाई करते हुए। योगी जी इसको विपक्ष का स्टंट बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। अभी योगी जी के साथ जो है वो जो आरोपी हैं उनके फ़ोटो प्रकाशित हुए हैं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो दोषी लोग हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ गहरे संबंध हैं।